बैक टू मैटर चैनल नाशोबड़ी हिट में मैं सीमा। आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ आपकी ग्रीन टी का हेयर रिंस वाटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीनेजर्स गर्ल्स हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कॉलेज में रहती हैं या फिर उनकी स्टडीज चलती है। बहुत सारे लोग देखो यहाँ पर आप इस चीज़ को कभी भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो टीनेजर्स हो, चाहे वो बड़े लोग हो, चाहे वो छोटे लोग हो, कोई भी लोग हो, कोई भी एज का कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग कोई भी किसी भी एज के हैं आप यूज कर सकते हैं, किसी भी एज की ग्रुप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो आज का जो रिंस वाटर है वो आपका ग्रीन टी का वाटर है। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप घर में जिस चाय पत्ती से चाय बनाते हैं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। देखो इस रिंस वाटर के आपके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आपकी व्हाइट हेयर की समस्या है वो भी ठीक हो जाती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, एकदम से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। देखो वेदर होता है आपका चेंज, ठीक है, वेदर जो होता है वो चेंज होता है, तो आपकी जब बॉडी खराब हो सकती है, आपको फीवर हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो क्या बाल नहीं खराब हो सकते? बाल तो हमारे ऐसे ऐसे खींचो सारे बाल हाथ में आ जाएंगे ना। तो बस वही चीज है, आपको क्या करना है, केयर करनी है, केयर को नहीं छोड़ना है। कितने भी बाल झड़े तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम छोड़ देंगे यार, झड़ो 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 सारा निकल जाओ, टकले हो जाओ, फिर हम वेट करेंगे मैं तो टकले हो गया, ये नहीं करना हमें केयर करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करूंगी, ज्यादा आप लोग को नहीं है यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी मैं, आप लोग इस चीज को बनाइए, यूज कीजिए, उसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा है। तो चलिए देख लेते हैं इस रिंस वाटर को कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर हमें लेना है एक आपका भारी तले का पैन, ठीक है, आप यहाँ पर स्टील का एल्युमिनियम का कोई भी ले सकते हैं। और उसके बाद से मैंने यहाँ पर यूज किया है एक गिलास पानी, और अभी मैं इसको 7 डे के लिए बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी बनाकर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है आपका एक ग्लास पानी, और उसमें डालना है हमें लिप्टन की ग्रीन टी। अगर आपके पास लॉकडाउन की वजह से ग्रीन टी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी टी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून फेनल सीड। फेनल सीड मीन्स कि आपकी जो मीठी सौंफ होती है, जो जिसकी तासीर ठंडी होती है, सौंफ होती है ना खाना खाने के बाद हम खाते हैं, वही वाला सौंफ है। एक मेरी सब्सक्राइबर उन्होंने बोला दीदी आप ना थोड़ा सा हिंदी वर्ड भी यूज़ किया करें, जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको 1 चम्मच के करीब मीठी वाली जो सौंफ होती है हमारी फेनल सीड वो डालना है, उसका पाउडर आपको घर में रेडी करना है और वो डालना है। बाहर का आप लाओगे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर डाल दिया है आपका अजवाइन, जिसे हम थाइम बोलते हैं इंग्लिश में और इसको अजवाइन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अजवाइन और फेनल सीड ये दोनों आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप लोग अपने बालों की धीरे धीरे केयर करना शुरू कर देते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं धीरे धीरे बहुत अच्छे मिलने लगते हैं। अजवाइन आपका गर्म है, उसके बैलेंस को ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पर फेनल सीड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1/2 टीस्पून के करीब ही आपको अजवाइन लेनी है अपनी, जो आप पूरी और सब्जी वगैरह हम डाल करके बनाते हैं ना अजवाइन, वही अजवाइन है। उसके बाद से अच्छी तरीके से हम उसको स्टर कर लेंगे और स्टर करके इसको अच्छी तरीके से इन्फ्यूज़ होने देंगे, ठीक है ना। इन्फ्यूज़ होने के बाद से हम इसमें थोड़ा सा अपना एक टी बैग डाल देंगे ग्रीन टी का, ठीक है। तो इसमें हमें डिप करना है, आप चाहें तो सैशे को फाड़ करके भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद से इस टी को, जैसे ये टी इसमें इन्फ्यूज़ हो जाती है टी बैग के साथ में, तो आप इस टी बैग को अपनी आईज पे रख सकते हैं। जैसे आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, काले घेरे हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा पोटैटो जूस में मिक्स करके अपनी इस टी बैग को आप अपनी आंखों पे रखोगे तो आपको 5 से 6 दिन के अंदर जो आपकी ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कुछ नहीं करना होता है, इस टी बैग को लेना है और 1 कप आपको अपना पोटैटो का जूस निकालना है और उसमें इसको डिप करके फ्रीजर में रख देना है। उसके बाद 20-20 मिनट के लिए 1 दिन में 3 से 4 बार लगाइए, हफ्ते में आपका जो आई का डार्क सर्कल है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर टी चाहे तो खोल के भी डाल सकते हैं, मैंने आपको एक ही रेमेडी के साथ में 2 रेमेडी बता दी हैं, तो आप लोग इसको यूज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास काफी रिक्वेस्ट कि दीदी आप डार्क सर्कल के लिए कुछ बताइए, जो इवन अनइवन स्किन हो जाती है उसके लिए कुछ बताइए। तो गाइस एक एक वीडियो बनाने से अच्छा है कि मैं आप लोग को कुछ चीजें बोलकर बता दिया करूँ, इसमें आप लोग की हेल्प ही होगी, मैं अल्टीमेट आपकी हेल्प ही करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोग को इस रेमेडी के थ्रू ही बता दे रही हूँ। तो आप लोग इसको बनाकर यूज कीजिएगा, जिनको भी फीडबैक मिलता है वो फीडबैक जरूर से जरूर शेयर करें अपना, क्योंकि देखिए आप लोग फीडबैक शेयर करोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोग शेयर करते रहते हो तो उससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं आप लोग को भी, और अगला बंदा जो आता है हमारे चैनल पर विजिट करता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो बंदे यहाँ पर आ रहे हैं और वो अलग गलत तरीके की रेमेडीज यूज ना करें, उनको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हम लोग बस एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो बस अच्छे से रेमेडीज को फॉलो करना है, यूज करना है, रिजल्ट्स की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं, कोई डाउट ही नहीं है। मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर्स के आज मैसेजेस आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच गाइज। आज हम लोग के फाइनली फैमिली मेंबर्स 2 लाख हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही हम लोग की जो फैमिली है धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमने इसको
जो हमारा रिंस वाटर है इसको मैंने अलग सेपरेट कर लिया है, ये आपका रिंस वाटर बन के रेडी। सो गाइस देखा आपने, हमारा जो रिंस वाटर है बन के रेडी है, ग्रीन टी का रिंस वाटर। आप इसको घर की जो चाय पत्ती होती है उसकी भी चाय पत्ती से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास ग्रीन टी है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आप इसमें कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इसमें टी ट्री एसेंशियल ऑयल की 20 ड्रॉप्स डालकर यूज कीजिएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। रिंस वाटर यूज कैसे करना है, यूज करने का जो तरीका होता है वो कुछ नहीं होता है। आपने अपने बालों में जैसे पानी डाला, अपने बालों को शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद से जब आप अपने बालों को पानी से निकालते हो, शैम्पू जो आप बालों को निकालते हो, अपने बालों को आप हटाते हो शैम्पू से, उसी तरीके से आपको रिंस वाटर यूज करना होता है। आप एक बाल्टी में अपना पानी में 1 कप रिंस वाटर ऐड कीजिए और उसी पानी से पूरे बालों को आप रिंस कर लीजिए। जैसे आप अपने कपड़ों के लिए कंफर्ट का यूज करते हो, कंफर्ट जानते होंगे आप लोग, कंफर्ट का यूज करते हो, उसी तरीके से हमें अपने बालों को रिंस करना है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारे लोगों से हमें शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप 1599 रुपीज की। जिनको बहुत ज्यादा नीड है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि आपको वहां पर एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज बताई जाती है। दूसरी चीज, आपकी स्किन, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि आपको टोनर, टॉनिक, रिंस वाटर, आपका पैक, आपको नाइट हेयर पैक, जेल, सीरम, सारी चीजें आपको बताई जाती हैं कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे यूज करना है, कब क्या चीजें लगानी है, ठीक है। सबसे चीजें यहाँ पर ये चीजें होती है मेंबरशिप में कि आपकी जो स्कैल्प होती है, आपकी एज होती है, उस हिसाब से आपको क्या चीजें सूट करेंगी वो चीजें आपको बताई जाती है। अभी चैनल पर बहुत सारे लोग हैं तो मैं पर्सनली सभी लोगों के लिए एक एक चीज नहीं बता सकते, तो इसके लिए आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, बाय।